मैडम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, क्या बात है, बड़ी अच्छी अच्छी भाषाएं बोलने लगे, सुधर गए हो आप, नमस्ते कहना भी सीख लिया। केक रहा था दुनिया का देखें देख सीखना ही पड़ा है, धीरे धीरे दुनिया का सामने पर जा रही है, मैं नमस्ते ही कौन सीखेंगे। तो सीख लिया ना, लेकिन अब क्या करने का इरादा है? इरादा क्या है, आज तो बहुत दिनों से यहाँ मुलाकात हुई। हाँ बहुत दिन हो गए ना। हाँ तो बहुत दिनों से मुलाकात हुई है, देखो आज तो यहाँ को हाँ करो ध्यान देखो, एक कैसेट ही कर लो ना और दुनिया याद करे। कैसेट? हाँ कैसेट। हाँ कैसेट कोई मेरा विचार लगे। कौन सी कैसेट कर रहे हो आप? आज कैसेट करा बा। कौन सी? बा जवाई किस्तों पर। जवाई किस्तों पर? हाँ। ओहो सुनाना जरा, कैसा है आपका जवाई किस्तों पर? देखो सुनावा, सुनो आजाद है। सारा दिन गांव का माने 24 घंटा फिरनो, ताश खेलनी, चौतर करनी, चौपड़ पासा खेलना है तो बनाया हो था मैं। अरे तो तेरा कौन सौ काम भी सरपड़ी है मेरा मिन्या। मेरे तो थाली बता उन्हें क्या टिकरी है तेरा। मेरे तो सारे दिन चिंता खाईदारी है। क्या की चिंता है तुम्हें? मतार अंडारू सूगी। सूगी? क्या हो? मन तो कोई चाय बवाया नहीं, कोई पानी बवाया। क्यों या तो कोई दस्त लगे है, गड़बड़ हो रही है क्यों? दस्त क्या तो लगे है, छोरा बोले हमें कोई और की बीमारी है। देखो दिन ये उठता है मन तो दिखने तो आँख में पानी आ जाए। क्यों ने तो पढ़ायो और न कोई ठिकाना है, कत्ता बड़ा छह फुट छोरा आज कहीं फिरे। अरे तो ठिकाना हुआ है क्यों? तू जल में सोई हो चांद, वो कोई सगाई है वो इन चिमक जाते रहा अगलो पाछो कानी मुंडो को निकले। मैं क्या जल में हूँ, मैं तो घने चौखो जल में हूँ, अबे कौन चौखो न लगे ने तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है? अरे तो छोरो हने इम आप दम को नहीं क्या? क्यों कहो न तो पढ़ो लिखो नहीं धूल का दाना ही नहीं की बात यूं तो गुआलियो चौखो। तो एक काम करे के कोई ठिकाना ठिकाना जार को लुगाया पता में बातचीत कर दो केवरो को हिसाब दो बैठ जाता। अरे बाहर मर जाना आजकल लुगाया पताया को चौको हिसाब अजी ठिकाना देखने तो मोटियारी जा करे लुगाई तो घर ठीक है। अरे आजकल लुगाया कोई टेम है और लुगाया बात करने की पक्की हुआ है मोटिया और बदल जाए थे जाओ कई कई लुगाया देखो नहीं क्या करेंगे तो भाई मोटियार की जबान गाड़ी को पही फिर तो दार कौन लग गए साथ तो आप लुगाया में रही है। अब एक बात तो है मैंने काल बाप ने सोप लिताई बन गए बस कही क्या कही बोली एक लिछमगढ़ में छोरी है जको पास जच जाग तो छोरा लो काम बढ़िया हो जाए। नहीं आगे तो एक काम कर मेरे कंधों छोरो सांकड़ा को निकाल मैं सावल की कोंग नहीं निकाल लग गए। अच्छा तो मैं को मेरा छोरा आ रहा है तो फिर सांकड़ा को यहाँ परे की जात हो तो यह कर तू के समझा बिन मैं समझा दे छी मेरे कन भेजो बुला समझा बिन और तड़का बड़ा हो जाए भले समगटू जा। अरे छोरा बोलया ए मर जाना थोड़ा हम क्या करे सारा दिन पूरा दिन है गांव में बछेड़ खाते फिर बोत रहे गरा उजड़ा गर खाबा ना हो मन क्या मेरे साइना का तन मेरा पांच पांच सात सात छोरा होगा तेरी यहाँ की बात है ना और काम को नहीं हो रहे हो तो कोई आवाज तो सगाई मन तो फैल कर चले जाए क्या कौन दियो तो एक तो घबराया मत करना। मैं क्या घबरा जाऊं मैं कोई आवाज ना सोना घबराया मत करना ये के हाँ हाँ
देर तैयार हो रही है। देरा है डीर पगीने तो मैं लखा लिया करूँ भाई। अरे लखोना कौन नहीं है तो आज दिखाना है ये गे तो ठीक है जनाब का डीर पगर हाथ मुंडा सो क्यों दिखा दे शुभ तो जे क्यों करें तो अरे बोलो हाँ अरे आज नवा तो ये क्या हो रही है क्या की तैयारी हो रही है हैं सगाई वाला बढ़ेंगे केवरो माँ के सगाईड़ा सिंध को चार जब एगो सोनार अरे अभी शहर का सी कौन सा शहर का ए जयपुर गागन है ना वो लाल सोट है वो खुद ही आसी के देख ना अरे वे खुद तो आसी और के भी के बाप ने थोड़े ब्याणो है खुद ही आऊंगा हाँ ठीक है माँ अरे देख बेटा भोलू आसो देखो नामा दो ही कर ले और पट्टा सट्टा बांध के देख तैयार हो जा बेटी जानवी ए दरबार तो मैं पहले ही देख गयो तू अपने लड़को पसंद कर ले और बेटा भोलू जा बेटा बस सगाई वाला आ गया तो ना देखबा और जा मैंने पानी पकड़ाया और आराम से जाया बेटा भोलू पानी के मैं मचाई दियो दिया जा अंदर अरे तू मेरा सगर रही मैं थोड़ा यहाँ घबरा जाऊ अरे घबराए मत बेटा मेरा लड़ने रही तू माँ ओ ला रही हूँ मैं थारे राजा तो मैं चल दूंगा चाय ले रहे तू बैठे जा और बिना नमस्ते नमस्ते कह जा जाता ही बैठे जाता है क्या कहूँ नमस्ते नमस्ते जी राम राम जी नमक दे अजी नमस्ते सुने को नहीं तू बिल्कुल ही नमस्ते हाँ ये जार कर दूंगे और क्या तू लहर आई तो मैं अंदर लगा अरे मैं तो थारे साथ ही हूँ तू चाल तो सही अंदर नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते पिताजी ये इनके हाथ पैर क्यों दूज रहे हैं क्या हुआ कुछ बोलते क्यों नहीं हैं आप अरे ओ बेटे चांदनी ये थोड़ा भोलो है मारो बेटो थोड़ा घबरा जाए जल्दी से हाँ जी मैं थोड़ा यहाँ नया नया नहीं घबराए मत बेटा घबराने घबराने की तो बात है नहीं मुझे आपसे कुछ बात करनी है पिताजी पिताजी हाँ बोलो बेटी मुझे इनसे कुछ बात करनी है तो मैं आपको बता पाऊंगी कि मुझे ये लड़का पसंद है या नहीं लड़को तो एकदम अच्छा है झप है देख लीजिए पर मुझे पहले बात करनी है ना हाँ करो आराम बात करो देख लड़कन फिर मैं आपको बताती हूँ ओहो कोई आटे को ना आराम बतला लो अच्छा क्या नाम है तुम्हारा है? तुम्हारा नाम क्या है मेरा तो नाम भोलू है जी भोलू ये कैसा नाम है भोलू तुम कोई अच्छा सा नाम क्यों नहीं रख लेते देख लीजिए फिर आगे दोगे अच्छा नाम तो मैं रख लूंगी पर तुम ये बताओ कि तुम्हें चाय बनाना आती है हाँ चाय बनानी आवे चाय बनाना आती है आवे जी चाय बनानी और क्या क्या काम आता है तुम्हें चाय बनानी आवे अच्छा ये जो बिस्किट हैं
वो भी तुमने बनाया? नहीं जी, ये तो दूसरे की दुकान पर से लाया, मोल लाया जी। अच्छा, ये खरीद करके लाए हो, है ना? हाँ। अच्छा, तुम्हें चोरी वोरी भी करनी आती है? नहीं नहीं जी, ओके नाम ले दिए नानो पड़ोसी मन तो। नहीं, वो तुम्हारी माँ ही कह रही थी कि मेरा बेटा चोरी भी करता है। ना ना, यहाँ का काम तो कदे को नहीं करया। अच्छा, और क्या क्या काम आता है तुम्हें? और बस सब्जी बनानी आती है। हाँ। अच्छा, झाड़ू पोछा? झाड़ू पोछा भी आवा। अच्छी तरह से लगाते हो? हाँ। अच्छा, कपड़े भी धो लेते हो? ओहो। अच्छा, मतलब तुम सब तरह के काम कर लेते हो, है ना? सो क्यों हुआ जी, पूरा घर का जितना भी काम हुआ ना। हाँ। जो कासा हुआ मन। फिर तो ठीक है, तुम्हें कपड़े धोने भी आते हैं, प्रेस भी करना आती होगी। ओहो, परेशान सो क्यों हुआ मन। तो फिर ठीक है, हो सकता है कभी स्त्री की दुकान खोलनी पड़ जाए तो, है ना? सब आवा मन, रोटी भी बना लूं। अच्छा। हाँ। और थोड़ा रगड़ा पट्टी का भी काम आवा, मतलब प्रेस कपड़ा धो के। हाँ। तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि हो सकता है कि कभी प्रेस की दुकान खोलनी पड़ जाए। हाँ, वो भी आवा। अच्छा, मैं पिताजी से बात करके फिर देखती हूँ। ओहो, कर लो। पिताजी। हाँ, बोल बेटी बोल। पिताजी ठीक है, लड़का मुझे हाँ पसंद है। रस गया? ठीक है ना? ठीक है तो फिर ठीक है। ऐसा है ना, ऐसा है कि मुझे पसंद तो है। अच्छा, लड़का मुझे बहुत पसंद है, अपने काम आएगा। काम आएगा तो फिर ठीक है। ठीक है ससुर जी। ससुर जी, ये ससुर जी तुमने पहले ही बना लिए क्या? तुम्हें क्या पता कि मैंने तुम्हें पसंद भी किया है या नहीं? देखिए पिताजी, सुन रहे हैं ना आप पिताजी? हाँ बोलो बोलो। ऐसा है, एक तो इनके हाथ पैर बहुत दूसते हैं, जब देखो दूसते रहते हैं, और फिर ठीक है मैंने इन्हें पसंद तो कर लिया है। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। के? मेरी शर्त है कि मैं शादी करके यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा। शादी करके इनको ले जाऊंगी। ठीक है तो फिर आऊं बातचीत करा है। ठीक है, आप बातचीत कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे गाँव में बहुत ही आराम से रहेगा, इसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक ठीक, आप बात कर लीजिए। ठीक है। राम राम जी, राम राम जी। सुनो, मारो छोरो है जो को मारा जच गयो। हाँ, 5-7 दिन बाद में आऊंगा, ऐसे को वो दस्तूर हुआ वो कर जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। तो अरे सुनो है बेटी। जी पिताजी। इन्हें और आराम से देख ले। मैंने आराम से देख लिया है, बस मैंने अपनी शर्त बता दी है, अगर मंजूर हो तो आप फिर फाइनल कर दीजिए। ठीक है तो फिर तू देख लीजा, मान के देखना है। बस अब आप जल्दी से शादी करा दीजिए, पंडित वंडित क्या देखना, अब बस फेरे करवा दीजिए। ठीक है। सुनो जी, क्या बात है? लड़को पसंद आयोगे थारा? मार तो पसंद ही है। क्यों बेटा, पसंद आयो? हाँ पिताजी, पसंद आ गया मुझे। लेकिन देखो थारे तो बाप बेटे का पसंद आगो। अच्छा। लेकिन मारो लड़को बहुत पढ़े लिखे है, बहुत होशियार है। अच्छा। मारी एक शर्त है, वह भी सुन लो, यही राजी हो जाते। हाँ। क्या जी? मारी शर्त है। अच्छा। के मारे लड़के का पढ़ाई का और बहुत दाम लग गया है, मैं लड़के की शादी में रुपया 2,00,000 लूं पूरा। भाई मत है कौन थारी के 2,00,000 रुपया मारकनो खेलो? हाँ। क्या कहा? क्या लिया? पढ़ाई का और खर्चों कौन लागे होगी, शादी में तो पैसा लग गई। अजी शादी में तो पैसा लागे तो थारे गाये रहे लड़को तो। अतो बड़ो करे पाले पोसे पढ़ाए लिखाए वो खर्चो कौन देसी तो लड़को मारकन थोड़ी रहे मन कहनी मेरा लड़को खटाई रो मन रुपया 2,00,000 चाहे तो ये मतलब मैं लड़कन धारकन कौन रहने दा दो मन मतलब कहनी लड़को तो खमासी खासी नहीं थेले जो मेरे कहने मन 2,00,000 रुपया चाहे हम तो 2,00,000 रुपया चाहे ये लड़का का। हाँ जदि ब्याहू मैं तो थोड़ा नहीं ब्याहू कौन। ठीक है तो मैं 2,00,000 रुपया दे देशे थाने लड़के ने मैं ले जाऊ। हाँ 2,00,000 रुपया पण किस्त पर दांगा सागा गंदा किस्त के जमेलो जमेलो किस्त को है 10,000 रुपया हर महीना का दे दांगा दाना 10,000 रुपया हाँ महीने का। हाँ हाँ तो फिर जमाई किस्त पर तो किस्त पर खरीद रहे हो जमाई किस्त पर खरीद रहे हो तो 2,00,000 रुपया बता रहे हो तो हर महीना का था 10,000 रुपया दे देश तो देख लियो एक बात और सुन लियो सुनाओ किस्त पर दे देसा
ले जाओ थारा गांव बुलाए। अच्छा। 10,000 रुपया मन्ने का मन्ने मेरे कंडरा बजानो चाहे। एक भी किस्त तो उकोगी। अच्छा। मतलब मन दाम नहीं मिला तो मैं छोरन पास ले आऊंगा। कोई बात नहीं। अरे बेटी रह जाए ली मुंह फाड़ती। ठीक है। हाँ आ सोच ले पहले। ठीक है। ठीक है तो। ठीक है सर। अजय बड़ो का बापू। हाँ। अजय छोरा ने समझाए दो। हाँ। ए बड़ो। अरे बड़ो। हाँ। अरे बड़ो देख एक भी किस्त रुक जाए जना टाइम से ना पहुंचे तो तू बटा से भाग गया जो कठे बट बैठो रे बटे हांड वो करे ये के भाग जा सो चिंता में ना कर तुम। अरे यार बापू आज तो पूरी यहाँ लिखा पढ़ाई करे वैसे मन यहाँ कच्चा पगाए थोड़े भेजे। हाँ निका बात समझ ले तेरा बापू की। हाँ बापू सा लिखा पढ़ी करनी पहले तो पैसा ना आता ही और बापू मन संसार करते मैं जब करने आ जाऊँ। अरे छोरा बोलो न तैयार करके भेज दो बस। पिताजी क्या बात है आप बात कर रहे। हाँ सब बात कर ली। क्या बात हुई आपकी। किस्तों पे हुई है। किस्तों पे 2,00,000 रुपए में अपन इनको खरीद लिया लड़के को। यानी कि जवाई किस्तों पर। हाँ अच्छा? तो अब सोच वाली क्या बात है अपने घर में जो भी सामान है सब किस्तों पर है। कोई बात नहीं है पिताजी। टिपन है टिपन से लेकर गाड़ी तक सब किस्तों पर है। ठीक है ना उन्होंने किस्ते ये 2,00,000 जो वसूल करना चाहे है ना। हाँ हाँ मैं एक बार में ही सारी कसर निकाल लूंगी आप बेफिक्र रहिए। अच्छा तो ठीक है फिर लड़का पसंद है ही चलो। जीप लिए या जीप तो बेटा लिए फुने बोलो तेरा बिना बेटा मेरो जी क्या लाग सी। तो माँ तो जी तो लगाना है पड़सी माँ मैं क्या करूँ बोल मैं तेरा जी लगाऊँ कि चांदनी को जी लगवाऊँ। अरे बेटा तो ता बीनड़ी बीनड़ी दिक्कत है मारा क्या हाल सेट है। ठीक है तो माँ मैं तो चलूँ। बेटा यहाँ मिलन तो जी अरे याद करतो रही मन मत मुझे तो आ जाऊं पण मां चालू मतलब मिल तो ले बेटो। अरे बेटा किस्त एक भी न भेजने तो आ जाई तो ना भाग जाई। हां हां तू चिंता मना करे या पिसड़ घरा की सॉरी। अरे ना यो ने तो मैं 5-7 लठवान भेजर मंगा लो ली ना मैं आप ही आज से ने भेजा पण भी आ तो कमी कोनी पिसड़ घरा की है। अरे सणा सणा रही आपने ये तो पिसड़ घरा का मां पछ मनस के मेरा दोरो राग सिंह सोरो राग सिंह मेरा भाई लार मेरा यार मन बैठे याद सी मां चालू। पिताजी क्या बात है। मैं यूं सोच रही थी कि आप शादी के लिए पंडित को बुलवाएंगे या फिर वकील को। क्यों शादी में तो बेटी पंडित ही आता है वकील थोड़ी आता है। लेकिन पिताजी थोड़ा सोचिए। क्यों सोचने की क्या बात है। देखिए ना हमने जवाई किस्तों पे खरीदा है। हाँ ये बात तो है जवाई किस्तों पे खरीदा है। हम हर महीने उसको 10,000 रुपए भिजवाएंगे अगर ये कभी मुकर जाए कि हमने इन्हें किस्त नहीं दी है तो फिर आप क्या करेंगे। ये बात तो सही है फिर तो वकील को बुलाते हैं। ऐसा करते हैं ना जल्दी से पंडित पंडित तो यही है ऐसे ही गोल गोल फेरे ले लेते हैं आग जला लेते हैं और वकील से साइन करवा लेते हैं जल्दी। अच्छा, करिए ना ठीक है वकील को बुलवा लेते हैं फिर। वकील साहब ये हम शादी कर रहे हैं किस्तों पर। हाँ जवाई किस्तों पर आप जरा
ये लिखावट कीजिए स्टाम्प पर और इनसे साइन करवाइए। नाम बताइए लड़के का, नाम बताइए। बोलो बोलो। पिता का नाम? पिता का नाम गोड़ू। गोड़ू। लड़की का नाम? जोड़ू। लड़की का नाम? चांदनी। चांदनी। दादे का नाम है जोड़ू। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या किस्त करी है आपने? 10,000 रुपए प्रति महीना। ब्याज? ब्याज आप बताइए। ब्याज कितने हुई कि नहीं हुई? 3 रुपए सैकड़ा। 3 रुपए सैकड़ा, ठीक है। तो मैं स्टाम्प पे सब नोट कर दिया है, आप लड़का लड़की से इस पे साइन करवा लेना, और ये एक स्टाम्प इनको लड़के वाले को दे देना, और एक लड़की आप खुद ले जाना, और कभी भूल ना होने पाए। ठीक सर, धन्यवाद। जल्दी करो लगाया, जल्दी करो, जल्दी करो मगर लगाया, ये जल्दी करो है। भाई, अरे आ रे भाई, मत चलो भाई, चलो मेरी भाई, मत चलो। अरे क्यों रो रहा है यहाँ? रो तो और क्या, सुन तू तो घर बैठी, मन तो 20 कोस पर ले जाए के मेरा कसोग राग सी, दोरो राग सी, सोरो राग सी, चलो मत। क्या होगा? वही गो तेरे मेरा है के मेरा मन कसोग राग गंगा बैठा दुख दींगा, जना मता ही रो जावे। बस मना मना भी रो जावे, मना रोना आवे है मेरा भाई, रोवा मना। तू तो बाद में रोई, माँ बाप तेरी सत्संग आग, तू सास रे गायन जना रोई, अब मेरे पास तेरा ही नंबर है, अरे तू संभालती तो रही मने भाई, संभालती रहियो भाई, संभालती तो रही, कना 2 रुपया का देने का लालच में रखना आवा ही कोई नहीं। अरे बिरा आती रहियो, नहीं भाई रे, मैं तन्ने संभालती ही रहियो, कना लालच कर दिया का भाई, 2 रुपया देना पड़ेगा मेरे कन, सासरे मार संभालती रही मैंने। आशो तन्ने सीधा बाती भी देना है। हां बाप ने कढ़ाई आ करे जो, वा कढ़ाई सीधो ही ले राजे, ले रहियो चावल है, गुड़ है, शक्कर है, कढ़ाई वा ना अपने। हाँ भाभी ले रहा जे, चलू मैं तो। अच्छा मिल तो ले ले, चलू। ए रो मना, जान जा गोन। अरे बोलो, ओ बोलो। हाँ अरे चल ले गे यार, तेरे बिना मन के आवड़ सी। अब क्या बताऊं तो भाई, लो मन तो जानो ही पड़ सी भाया, सारे सागे गणाए जिना खेल यार, गणाए मजा लिया यार, पर जानो ही पड़ सी, तो दुनिया को दस्तूर है भाया, एक दिन से नहीं जानो है। ये मत कर बेटा, रो मत, मोटर में बैठ जा, छाती राख। चलो वाह, छाती राख तो का पैसे की सी तैर आवा माई मोटर ने देख ताई केबरो आगे ख्याग फोड़ा गाइसी। ए भाई किस्त को ध्यान राखियो, हां ध्यान राखियो किस्त को। तू आ जाए भाई मिलवा। आ जाऊंगी मैं तो संक्रांत बार की। आ जाऊंगी बेटा, चालिया मत करे, रोवे मत, आंखो बैठ लो। चलो अरे खिड़की का बैठ जा। ये माँ कोई गीत गा तो गले थे भी मन काट बनी करोगे। ओ खिड़की का बैठ जा, घोड़ा वाली तेल चढ़े मेरे। गीत गाओ ये सरे, गीत गाओ। नहीं कौन सा गीत गाओ, चोको सो कोई गा लिया मैं गीत, अब गाओ विदाई गीत गा लिया। नहीं बोल चनेली। हाय रीटा। हाय नेहा, क्या है तुम सब कैसे खड़ी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? चांदनी आ गई तो। हाँ मैं चांदनी आई हूँ, देखो तो सही। अब कौन है तेरा लार गाड़ी में? अरे
अरे अरे सुनो सुनो सब उसको नीचे उतारो जल्दी से। वो बेचारा इतनी दूर से गाड़ी में बैठा है, कितनी गर्मी लग रही होगी उसको। अरे बेटी चमेली, आप समान है जकने आराम उतार लो, सुना है भी? हाँ पिताजी, ये काय करे कहो हो, ये थोड़ी किया करे है। कोई बात कौन तो किस्ता पर है सामान, सामान उतार लो आराम से। अपने अपने तुमने पहचाना नहीं है कौन है? हाँ हाँ, अरे भाई तुम्हारे जीजाजी है ना। जीजाजी है? जीजाजी जीजाजी हाय हाय। अब तो सुन लो है, चौकी को नहीं लागे बेटा, पल्लो नीचो ले। लो जी ले ले सो। ये देखे कितना शर्मावे, ये देख बरे बहुत ही शर्मावे हो तो भाई। सुनो ए चमेली, हाँ? इसका जरा अच्छी तरह से श्रृंगार विंगार कर लेना, बहुत अच्छे से तरह से नहा धुला के बहुत अच्छी तरह से प्यारा सा सजा देना, ठीक है? ये उतारने तो लाग गया के लिया आ रहे है, दया को लिया बीजना तो लिया, हवा घाला बेचारा ने। अरे रहने दो तुम सब कुछ भी ना, और उसको तैयार कर दो जल्दी से। ये बरे ओ के किस्तों का मोटियार, ऐसा है ये किस्तों का ही मोटियार है। हाँ ए देख, ओ तो दरी कोनी शर्मावे, तू दे शर्म है ये वाली देख, ओ तली सरक। मैं जे शर्माऊंगी? ए चाल पे लाड़ी, इक कते दिन में दिन के करे है, पानी लाने जाओ चाला है क्या? ये सुनो, एक डेंटिंग पेंटिंग है बाद में करियो, पहले मुंह दिखाई वाला दोस्त तोड़ तो करो। जीजा जी। हाँ। ए पुड़ी है, पुड़ी सुकेड़ी, सुकेड़ी पुड़ी है। ए दिया करें जो मुंह दिखाई में, ए खा लियो, कोई दाम दिया करें। चलो ए पानी में चाला, ले चलो ये भी, ले चाल जीजा जी पानी में चाला है के? अजी मारा तो मोटर पानी को नहीं बजा कर, लुगाया बजा कर। किस्ता को है भोलू? ओ भोलू। हाँ जरा पानी लेकर आना। चांदनी के करवारी हो? ऐसा है आप किस्तों पर आए हो, इसलिए काम तो सारा करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से घड़ा उठाओ और हमारे साथ चलो। ऐसा है घूंघट का ध्यान रखना, वहां पर तुम्हारी मूछें ऊंचे नहीं दिखनी चाहिए। चलो घड़ा उठाओ और हमारे साथ चलो। ओके करवा दिए तो रेस्ट तो करवा दियो है। रेस्ट वेस्ट सब हो गया, बस मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम चलो। के कर दियो थे मेरा लुगाड़ो सो हाल कर दियो थे। ये तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था, पहले ही सब बात हो चुकी थी। चलो उठो घड़ा उठाओ और हमारे साथ चलो। चांदनी तेरे सलवार ऊपर चुन्नी और सिर पर घड़ो, क्या हाल कर दियो मेरो, आज तो तेरे पत्ती हुई है पत्ती। लेकिन किस्तों पर खरीदा हुआ। अजीब कर दिया तो ठीक है पर बुरा पानी लागे। किस्तों पर पत्ती तो हुई। हाँ ये पत्ती भगवान हुआ है। हाँ लेकिन यहाँ पर फिलहाल तुम किस्तों पर लाए हुए जवाई हो, इसलिए तुम अभी मेरे साथ चुपचाप से बकवास मत करो, घड़ा उठाओ और पानी भरने चलो। ये बेटी चांदनी पिताजी बोलो शर्मावा जो एक दो दिन तेरे कन्न राख है, अरे के शर्म काट। ऐसा है पिताजी आप थोड़े दिन रुक जाइए, एक दो दिन बस, ऐसी शर्म वरम सब खोल देंगे। शर्म पता ही नहीं चलेगा किस कोने में गई। शर्म वरम कोई बात को नहीं, मैं काबू में को नहीं हूँ। यहाँ तो क्या बात है, देख चांदनी कैसे आदमी कैसे पसंद करके लाई है, कितना बुरा लाग रहे है। अरे बुरा है तो क्या हुआ, है तो अपना जीजा। हाँ अपन क्या करा घर में आ गयो, अपनो तो जीजो लागे है। अब इन्हें एकदम बढ़िया ऐसा सर्किल बना देवा अंडो सो अतगना सो मारो। ए जीजा तना अब अंडे से जीजो बना देशा। और चांदनी ने अपने पास ब्यूटी पार्लर भी तो खोल रखा है ना, वो कोर्स भी तो करके आई है। थोड़ा तो अपन भी जानते हैं, खूब बढ़िया सा बना देंगे, चमका देंगे जोरदार इसको। हाँ अरे डाडे वाडे भी बना देशे है की डाडे भी उपार देशे है, देख कितना कालो लाग रहे हो डाडे से, एकदम डिस्को नंबर वन जीजो बना देशे। डिस्को नंबर वन बना से हो? हाँ जीजा डिस्को नंबर वन। देखिए जादीगा देखिए क्या बनाओ। जीजा जी 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 ज
शंकर सीरीज पेश करते हैं सुपर हिट कॉमिक ड्रामे। मनोरंजन और ज्ञान के लिए एक से बढ़कर एक सुपर हिट कॉमिक ड्रामे। पड़ोरी बीनड़ी, नोए की शादी, पटेलन की फूफनी, पाला को मुकलाओ, बहुत ही शानदार कॉमिक ड्रामा जमाई किस्तों पर। एक सड़कर एक ड्रामो में चमचो लुगाई को, मारवाड़ी कॉमिक ड्रामा, नाता की लुगाई, पन्ना सेपट फौज में, देवर भाभी का सुपरहिट कॉमिक ड्रामा, नानी की घड़ी और सुपरहिट लेटेस्ट कॉमिक ड्रामा छोरी राम राम, जिसमें आपको सुनाएंगे एक से बढ़कर एक लोकगीत। आज ही कैसेट लाइए, सुनिए और मस्त मस्त हो जाइए। सुपरहिट कॉमिक ड्रामों की दुनिया में एक ही नाम, शंकर सीरीज, शंकर सीरीज, शंकर सीरीज। ओ छोरा, के का इन तंग मत करो ना, ले जाओ इन सोन दो, ले जाओ बेडरूम में, ले जाओ इन्हें सोन दो। मैं क्या ना तंग करा हा, तंग मत करो ना, साले लागा हा या के अरे तो मजाक करया ही करे। हां जी सांची को ते ससुरा जी बोल दे रे जी, अन तंग करता क्या ना तंग कर, मेरी माटी पलीत कर दिए। ठीक है बेटा, जा कमरे में जा, आराम कर, यहां दुख मत करे, आराम कर जा। जाऊं तो मैं सोऊं फिर? हाँ सो जा, आराम कर। भोलू, ओ भोलू, हाँ सुनते नहीं हो क्या तुम? हाँ सुनो ना, बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? बाहर आ जाओ, ये देखो हवा में हल्दे क्यों खड़े खड़े। मैंने कहा ना तुम अंदर आ जाओ। हाँ आ गए चाननी। अब बैठ क्यों गए तुम? और क्या करूं, तो वो बाथरूम में कपड़े रखे, जाकर धो लो उनको। ये क्या कहा चाननी? ए क्या होती है, तुमने कपड़े धोने की बात कही थी या नहीं? चाननी ना, आल मेरे देख हाथा की मंदी तो नहीं उतरी? देखो अब आयो हूं मैं, दो दिन से तो नहीं अजी, पर तो कपड़ा तो भाव लगी मत यहाँ करे मुझे, मैं कपड़ा धोना हुआ है कदे कोई अड़ी आंट में धो दूंगा। कपड़े धोने से मेहंदी वेहंदी सब उतर जाएगी। हाल तो दे देता हूँ, कौन धोते हैं? चलो चलो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, कपड़े धो लो। चलो कपड़ा तो पाओगी अब? हाँ तू यहाँ बोले लगी, आज तो तेरा मोटियार हूँ। ऐसा है पति हो तो क्या हुआ, पर मेरे पिताजी ने तुम्हें किश्तों पर खरीदा है। हर महीने मेरे पिताजी तुम्हारे घर पर 10,000 रुपए किश्त के रूप में देते हैं, है ना? किश्त तो भेजे मैं तो मानू बात, याद है ना तुम्हें ये बात? हाँ तो तू जुलम करे न चाननी। मैंने तुम्हें कह दिया ना, फिर खड़े खड़े तुम क्या देख रहे हो, अंदर जाकर के कपड़े धो लो। मैं तो चाननी जाऊं जना कपड़ा धो। हाँ कपड़े धो लो। धो जना भोलू। हाँ ओ भोलू। हाँ क्या कर रहे हो तुम? तीन कपड़ों का तो मैल काट दिए सगेड़ो, तो कहता हूँ तागा भी काट दो। भगवान मेरी रेशमी साड़ियाँ, हाय हाय मेरे इतने कीमती सूट सारे खराब कर दिए, ये क्या कर दिया उनको कूद कूद कर तुमने? तुमने तो कहा था कि मुझे कपड़े देने आते हैं। तू तो चाननी ए शादी का जोड़ा और सूट अनर हो है, मैं सगी तेरा सामने तेरा मोटियारी खड़े होने मेरी धूल धानी हो रही है, तेरा कपड़ा की लाग रही है, है? अब ऐसा है इनको कपड़ा तो और भी अजैसी मैं और अजैसी धूल धानी हो रही है मेरी। हाँ हाँ तुम्हें तो बातें बनाना आती है, जब तुमने अपने माँ बाप से कहा था कि 2,00,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए किश्तों में भेज दो, ये सब उस वक्त याद था, और आज तुम्हारी धूल मिट्टी हो रही है। एक तो मेरे कपड़ों का सवा सत्यानाश कर दिया, और ऊपर से बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, अब ये कपड़े धो लिए हैं ना? मन के मेरो तो, मन के मेरो, मन तो जार मेल कड़े लगे सगेड़ो, मगर भाई मेल नहीं रह जाए, नहीं सीधा आगा बस सगेड़ा, मन को भाई सावल का ध्यान। बहुत 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 ज्यादा बोलते हो तुम। स्वरूप स्वरूप हाँ सावे हम। इसमें कोई बात नहीं आ रही, तुम में से ही आ रही होगी। अब ऐसा है ये कपड़े जो धुल गए हैं उनको जाके सुखा दो, और हाँ मेरी बहन के सूट पड़े हुए कमरे में उनको जाकर के धो दो जल्दी से। सही तो फंसे गए मेरे को। ऐसा है अगर तुम्हें याद हो तो हम तुम्हें यहाँ काम करने के लिए किश्तों पर खरीद कर लेते हैं,
तो कनके तुमसे हर बात पहले हो चुकी थी। जवाई समझ के कौन ले आ जाए। क्यों, तुमने कहा था ना मुझे कपड़े धोने आते हैं। तो नौकरी बना लिया मन अठे। ये तुम सोचते हो, मैं तो ऐसा नहीं सोचता। मेरा पिताजी तो यहाँ कहो का भाई छोरन पढ़ा लिखा के तो बड़ो करे और पाल पोस के तो खर्चो लागे। पर जना 2 लाख रुपया लागेगा जना थे बोले के ठीक है भाई इनमें बटे ले जाओ। मेरा पिताजी नहीं है मेरा थोड़ी है बटे इनके देगी क्या डोश। हमारे तो पास भाई कोई नौकरी सर्विस करें जना जहाँ कोई रेबा लाग जाए इनका अपने ठेका मार जयपुर जाके रेबा लाग जाए। भैया जाने भाई चौको थोड़ी छोरो आराम पास दोनों अजय कमाने रह सी बारे चौको टीवी देख सी चौके घूम सी बनिए के फिर होगा धड़े जिया डोशी। अब तुम अपनी सुनाते रहोगे या मेरी भी सुनोगे। हाँ हमारे पास इतने पैसों का इंतजाम नहीं था जो 2 लाख रुपए तुम्हें देते, इसलिए हम किस्त के रूप में 10,000 रुपए महीना तुम्हारे घर पर भेज रहे हैं। हाँ। तो वो किस बात के दे रहे हैं। हम तुम्हें यहाँ काम करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अब ऐसा है मेरे मम्मी पापा मेरी बहन मेरे भाई जो भी तुम्हें कहेंगे सबका काम करना पड़ेगा। हाँ और हमारी अगर पड़ोसन भी तुम्हें कोई काम कहती है तो वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। सुन रहे हो ना तुम। हाँ सुनो मैं। तो इसलिए पर मत आए तो मोटेर बन के और अब मेरे तो पगी कौन टिकट है कड़ा ज्ञान कर मर कड़ा रसोई मर कड़ा लेटरी मर। तो तुम्हें पहले नहीं दिख रहा था क्या जो अपने पिताजी से कह दिया था 2 लाख रुपए ले लो 2 लाख रुपए ले लो। किस्तों पर ऐसे ही जवाई होते हैं, पता चल गया तुम्हें किस्तों पर जवाई कैसे होते हैं। ठीक है कर ऐसे खरीदे जाते हैं किस्तों पर जवाई। अब तुम्हें हर काम करना पड़ेगा। अब हाल बाप की गलती है तो कह रहा। नहीं तुम्हारे बाप की नहीं तुम्हारी भी गलती है। तुमने खुद उनसे पैसे लेने की बात कही थी। अब मैं क्या काम करूं। तो अब एक काम करो। मारियो मना मना बैठे। ऐसा है ज्यादा तो बकवास करो मत। हाँ। मेरे पिताजी इस वक्त आराम फरमा रहे हैं कमरे में। हाँ और उनको रात को पैर दबवा कर सोने की आदत है। पग दबा कर सोने की आदत है। हाँ अच्छा। तो तुम ऐसा करो उनके पैर जाकर दबा दो तो उन्हें अच्छी तरह से नींद आ जाएगी और अच्छी तरह से सो जाएंगे। मैं पग दबाऊं। हाँ और कौन दबाएगा। हाले पिताजी का। हाँ नहीं तो दबाना। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी नहीं है क्या। नहीं होएगा तब तो। तो फिर चलो जल्दी में जाकर ये काम करके आओ। काम पिताजी नहीं तो कौन ही हम उनके काम दे। जाऊं दिखा जाऊं जाऊं। पिताजी यहीं खड़े हो। पिताजी कौन है सोग जागो है कौन है रे। बोलो हूं जी। बोलो। हाँ आजा बेटा मान आजा आजा जाओ जी। मैं पिताब दिखा थोड़ा जाओ थोड़ा पग दो। अरे दो नहीं दबाए दबाना है। हाँ मेरा हाथ कलड़ा है जी थोड़ा। आराम दबाए देखो नींद आ जा। थोड़ा कलड़ा हाथ है। आराम दबाए सो जाओ। मैं थोड़ा सो जाओ सो जाओ चलो आराम से धीरे धीरे दाब दे। मरे भी बनिया पड़े भी बनी सो गया के रखे बोला यहाँ। नहीं नहीं मैं को मन भी नींद कमी आवे नहीं आगे। ठीक है मैं सोऊं। आप तो उम्र वाली दवाई डाल देते हो तो ठीक रहे। मेरे कने पिसा भी तो कोनी मारो बाप ले लिया 2 लाख रुपया सो गया के दूसरा जी। अब का चपका दी के एक तो मरे भाई ला अच्छी तरह दबाए थी ना। ओ, सागड़ा दबे हो। नहीं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है उनके दबाते दबाते तुम ही सो गए होंगे ना। ना अच्छा चलो सो जाओ। पग दाब रहे सो जाओगे और सुबह जल्दी उठ जाना 4 बजे ठीक है। ठीक है तो बोले तो नींद ना वाले जब तो दबा गए इतना मत दबा गए मन के करो। अच्छा ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह ऐसे अच्छे जवाइयों की तरह जो किश्तों पर खरीदे जाते हैं काम करते रहना जानने हमारी तरक्की हो जाएगी। जानने देख रात का 12 बज गया अब थोड़ा सो लो। हाँ सो जाओ सो जाओ। तेरी भाण बोन का और का तो कौन दाबड़ा है कोई का। अरे नहीं नहीं अब सुबह सुबह 4 बजे उठना है बस यही काम है। सो जाओ मैं। हाँ सो जाओ।
काम विचार थोड़ी सी। ओ भालू, सुबह के 4 बज गए, उठना है कि नहीं? भालू, सुनती नहीं हो क्या? भालू, हाँ, किस सो गए? भालू, हाँ, उठ जा, सुबह के 4 बज गए और भैंसी की तरह सोए हुए हो। चांदनी देख, 2:30 बजे में सोयो, अब 4 बजे मन तो पत हो गया जी, के करावेगी बोल। चलो उठो, जल्दी खड़े हो जाओ। के करना, के करना है? ऐसा है, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। चाय? हाँ। ले तो आने नहीं लाऊं। जल्दी लाना। ले रहा हूँ। ले, ले तो आने नहीं चाय। क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है बदतमीज, सारी चाय रजाई पर डाल दी, दोबारा लेकर के आओ। सुबह सुबह दिमाग खराब, क्या मेरे पल्ले पड़ गया है ये कुत्तों का जमाना। ले चाय। आप मुझे ध्यान से देना, एक बार रजाई खराब कर चुके हो, आज दिन में इसे धुलवा करके इसकी रजाई ये जो छाड़ है साफ करवा देना। और हाँ, ऐसा है, जब तक मैं चाय पी रही हूँ ना, तुम जाओ मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, सबके लिए चाय बना करके उनको दे करके आओ। चलो। सबको दिया? ओहो, तुम तो बड़े ट्रेंड हो गए हो। हाँ हाँ, ऐसा है, एक काम और करो। क्या करूं? सुबह सुबह तुम गोबर फेंकाओ, उड़ा रही है ना? हाँ, गोबर। चांदनी के बोला जाए गोबर में। हाँ, गोबर तुम। मरासी? मरासी नहीं, गोबर तुम फेंक करके आओ, और उधर कूड़ा रखा है वो तुम फेंक कर आओ। गांव में सारा देखेगा गोबर को, बटोरो सिर के ऊपर। तो क्या हुआ, देखने दो, देखने दो। यह मोटर बना के लिए गाँव को नाई बना लियो। तुम्हें बनाकर तो पी लाई हूँ मेरे पति देव। हाँ, बोल चौके लगे किश्तों का जवाई है ना। चलो 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 चलो, किस्त ही किस्त, पर पति तन मेरा, पर मेरे पर भगवान के बराबर हो है। भगवान तो दया, राम जी ने समझे तो लक्ष्मण जी तो समझे। अजी मैं तो सब समझती हूँ, पर तुम्हारे मम्मी पापा ने और तुमने मुझे कुछ समझने ही कहाँ दिया। अब तुम यहाँ से जल्दी से जाते हो या नहीं? ला जाऊं, गिर रहा हूं गोबर में। हाँ, जल्दी से लो भाई। तो आदमी की किस्मत को भी भाई गिरे तो नहीं पड़े, क्या क्या करना पड़ जाए। ला भाई गोबर में भी गिर के आऊं। और भैंस भी कतो गोबर पड़े करें, थोड़ा बहुत भी कहीं करें। बूढ़ा ला गया पड़े नगर पालिका के सिकुल से, एक आधे भैंस भी मरे नहीं कहीं। अरे भाई रिश्तेदार, जय राम जी की, जय राम जी की। अरे जय राम जी की, जय राम जी की। ये क्या दुखी रे है? अरे तो बताओ, मार ली सी तो कोई में, क्या नहीं है? क्या क्या नहीं बीते, मार ली सी तो कोई में। के बीती की क्या बात हुई? अरे यार बिछाओ ला तेरे सो दे रहो, तेरा ही कंटा बढ़ा रही है, कोई तो खराब करिया। क्या तेने मेरा तो नहीं हो गए तो दुख पासी, तेने यहाँ का काम कराना ही क्यों पड़े? यार वो तो काम गड़बड़ हो गया तो बड़ो। हाँ, वो तो काम गड़बड़ हो गया तो क्या ना कराओ, तो यहाँ तो संबंध मन बड़ो तो नहीं हो गए। मन के बड़ो यहाँ इसी तरह गड़बड़ नहीं, मेरी सुनो भी तो ला। क्या बात है? मेरा तन सुनो, क्या कराऊं जी की मैं जानो, मेरा मैं के बिछावला बिताऊं है। आ मेरी गलती की? आ गलती भी को नहीं, आ बिछावला ध्यान रखना चाहे दोनों ठिकाना को, कहो ठिकाना शो करो शो कर तन सो दे रो का आदमी मारा ही। आड़ू मेर करो निकलो आवे, कपड़ा मेर करो दुपावे, ए रांडा सब मेर करो दुपावे। घाघरी यार के
जाओ पार पड़े मेरो आ तैयार गलती की तो आज तो होगा मेरा हाथ दुखा लगा रहा जाएंगे धोता धोता तो गलती की मर गए मत हो अरे दुख मत करे दो पर मेरे को गिराओ है रात में सोचना के मारा पगदा नींद बनिया है अब दुख मत करे ना दूसरे का पगदा बोता दूसरे का दादे सासू का रांडा बेचारा बारह बारह साल की कनीज की ओ मारा पगदा रांडा ने दाब दाब सो आप जानी मैं तो गलती की बढ़ा दिया मन गलती की मगो अब मेरी गैल छुटा तो तेरा हाथ जोड़ू मेरी गलती की मगो गलती तो की पर मेरी बात सुन ले के तो मेरी गैल छुटा तेरा हाथ जोड़ू मैं पग पकड़ लिया तू कह तो अच्छा मेरी लैर छुटा तू मेरी बात सुन तू सुनो मेरा मैं के बीताऊ है के अरे सुना कौन क्या थाने ओ बिचोला क्या बात है छुटा दे लर ले चल चलूंगे चल
है। नहीं बोलू। ये चांदनी तू भी समझदार है, पढ़ी लिखी है, तन शर्म को नहीं आई। देखो अट्टो तंग करे तो ईश्वर ने क्या तंग किया, खरीद कर लाए थे इसलिए सिर्फ काम ही तो कराते थे। ये माननी खरीद लिया हा, तेरे परिवार का और तो समझदार को नहीं बनते तो समझदार है ने। अब तो परेशान थोड़ी कराया करे, वो भी मिन्नक है। हाँ कत्तो रो है और कत्तो सांग करे है। सागरे बोलो चालसिया। नहीं बोलू। ऐ के समझे। नहीं बोलू। नहीं दसियो मैं लिया खरीद लिया तो पति बना लिया। सही है। आ कदे तक मैं नौकर बना के ले जाऊं जणा मैं काम करबो करतो और नाम ही कोन लेतो था ना। हां नहीं नौकर बना के ले आया यहां काम करे जासी मरो छोड़ तक चल चल चल। नहीं बोलू। नहीं जाना है। कौन जणो मैं लाल मैं खड़े होने डर के है चांदनी प्लीज पत्तोगे मार तो रो। नहीं बोलू। नहीं जाना। ए बोलो। हां मैं कौन चालना है। हां कदे किजिया काम कराओ अरे हवा चलो। नहीं बोलू चांदनी। अरे चल अठन पड़ो तो कोर अठन पड़े तो खा खैर और छोट के गाड़ने भी तो जी को नहीं करे। बोलू अपन साथ साथ रहेंगे। नहीं जाना है। काम कराऊं जो मनावा जोर कत्तो तन काम में रगड़े और चांदनी चांदनी चांदनी। हाँ देख तेन तन छोड़ के जबान जी को नहीं करे पर मैं एक ही शर्त पर रह सकूं। वो क्या? तू मेरे प्रेम बोल से काम सो करा ले करूं सको लेकिन मेरे पति समझेगी तो। अच्छा ठीक है बाबा जैसा तुम कहते हो वैसा ही मैं करूं। ओ बिचौला अब मारो समझो तो दो मारो बाप ने लालच में कर फोड़ा गाल दिया भाई लोगो कोई भी लालच मत आकर के अंदाजे। ठीक है तो भाई हमारा बीबी राजी होगा हो गया नहीं अभी भी राजी देख रहे लोका जी बुलाएंगे। ठीक है चांदनी। राम राम सर राम राम चांदनी। Thank you.